अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असाइनमेंट नंबर टू का सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, और आपको मालूम है असाइनमेंट टू में दो पार्ट्स थे, और पहला पार्ट था रिलेटेड टू गोल्डन रेशो, जो कि आपने इंडिविजुअली अपनी बॉडी का गोल्डन रेशो निकालना था। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह। अच्छा देखें, टास्क क्या है। टास्क है हमें मेजर करनी है लेंथ्स, ठीक है, जॉइंट टू जॉइंट, जैसे टिप से लेके फर्स्ट जॉइंट तक, फिर टिप से लेके सेकंड जॉइंट तक, फिर टिप से लेके नकल बोन तक, फिर रिस्ट बोन तक, एल्बो तक, और फिर ऑल द वे डाउन टोज़। का मतलब ये है कि एल्बो से सीधा टोज़ नहीं, एल्बो से फिर आप देखेंगे नेक्स्ट बिग जॉइंट कौन सा है, तो वो आपका शोल्डर जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट से आप देखेंगे तो हिप बोन आएगी, हिप बोन से फिर आप कहते हैं ठीक है ऑल द वे टू टोज़। और इसको हमने देखना है पिक्चर की मदद से, ठीक है। अभी एक स्केलेटन है, ठीक, और ये मेरा नहीं है, लेकिन जो मेजरमेंट्स हैं ये मैंने खुद की अपनी। लेट्स सी, अगर हम देखें टिप से लेके फर्स्ट जॉइंट जो है, वहाँ तक 3 सेंटीमीटर्स, फर्स्ट जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक ये भी 3 सेंटीमीटर्स है। अगर आप इसको देखें तो दिस इज एड बाय एडिंग प्रीवियस टू मेजरमेंट्स, यानी कि 3 + 0 को हम का रिजल्ट क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, उससे अगली जो हमने रीडिंग ली थी वो नकल बोन, ठीक है, जो जो पंच जो पड़ता है वो जो बोन है, ये रीडिंग आई है 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 कहाँ से, इस जॉइंट से लेके यहाँ तक, इस जॉइंट तक, ठीक है, सेकेंड जॉइंट से नकल बोन तक 5.5 सेंटीमीटर। अब ये अगर आप इन दोनों को ऐड करें प्रीवियस टू वैल्यूज को, 3 + 3 = 6 होता है, 6 = 5.5, बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक परफेक्ट मेजरमेंट आएगी, लेकिन क्लोज होगी, ठीक। इसी तरह हम नेक्स्ट मेजरमेंट लेते हैं, फिर रिस्ट बोन। रिस्ट बोन आप देखते हैं कि 9 सेंटीमीटर्स है, इस नकल बोन से लेके रिस्ट बोन तक जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर्स है। 9 इन इसकी दो प्रीवियस रीडिंग्स को हम अगर ऐड करें तो ये बनता है 8.5, वी हैव 9 मोर लेस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रेंड एग्जैक्टली इसी तरह रिपीट हो। पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आप देखेंगे, कहीं डिस्टेंस कम होगा, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा होगा। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि हमारी जो बॉडीज़ होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अगर हम एक बात करें बिल्कुल एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट सारे जितनी भी रीडिंग्स हैं फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी अपनी प्रीवियस टू रीडिंग्स का सम होंगी। अब यहाँ अगर हम देखें ये 24 सेंटीमीटर, यहाँ बहुत बड़ा गैप आ गया कि 9 + 5.5 इज 14.5, आप कह रहे हैं पूरी 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया, तो यस मेरी मेरे केस में आया डिस्टेंस। नेक्स्ट हम जाते हैं 32 सेंटीमीटर्स, 24 + 9 इज व्हाट 33, और दिस इज 32 सेंटीमीटर, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली हमने नेक्स्ट रीडिंग ली हिप बोन की, और फाइनली आखिरी रीडिंग ली हमने 82 सेंटीमीटर हिप बोन से लेके टो तक, ठीक है, टिप ऑफ द टो। तो फ्रॉम टिप ऑफ मिड फिंगर टू टिप ऑफ टो, ये हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब हम देखेंगे इसको, इससे गोल्डन रेशो किस तरह से निकालना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सेल, और पहले हम रीडिंग्स लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग थी हमारी 3 सेंटीमीटर, दूसरी भी थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी रीडिंग है 5.5, 9 सेंटीमीटर, 24, 32, 43, फाइनली वी हैव 82, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, रेशियो निकालने के लिए एवरी नेक्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू, दिस विल बिकम 3 / 3, दिस विल बिकम दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसी फॉर्मूला को हम ऑल द वे ड्रैग डाउन करें, तो ये हमारे पास रेशियोज हो गए दो रीडिंग्स के दरमियान। अब आप देखें ये जो ये आउटलायर है 24 सेंटीमीटर, 2.67 आ गई है रीडिंग। लेकिन अगर हम इन सब को, इन तमाम को एवरेज आउट करें तो हमारे पास एवरेज क्या बनेगा,
एवरेज आ गया हमारे पास 1.67435, और गोल्डन रेशो क्या है अप्रोक्सीमेटली, कोई से भी हम दो रीडिंग्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 21/13 फिबोनाची सीक्वेंस में, ठीक है, ये है एक्चुअल गोल्डन रेशो, और ये रेशो निकल के आ गया मेरी बॉडी का। तो आप में से जो भी अगर रीडिंग लेता, हो सकता है आपकी रीडिंग 1.5 समथिंग आ जाए, हो सकता है 1.7 के करीब आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे 2.4 आ गई हो या किसी की 1.1 आ रही हो, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता। हमेशा जो रीडिंग होगी आपकी फिबोनाची नंबर के क्लोज ही रहेगी। तो ये थी वो एक्सरसाइज जो आई बिलीव के अब क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, वैसे आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हमेशा टिप से लेके नेक्स्ट जॉइंट तक, जॉइंट तक रीडिंग लें, यानी जॉइंट टू जॉइंट लेने के बाद हमेशा टिप से लेके नेक्स्ट जॉइंट, बट इससे यानी कि मेजरमेंट थोड़ी सी कंबरसम हो जाती है, अदरवाइज एक ही बात है। तो आई होप दिस वॉज वैल्यूएबल फॉर यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्लैक पे।